हेलो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके फ़ोन के ऐप्स जो हैं आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो हैं दूसरे ऐप को दे रहे हैं। ओके, आप जो हैं अपने ऐप को जो अलाउ परमिशन देते हैं वो सभी ऐप आपकी परमिशन को यूज़ कर रहे हैं। आपके फ़ोटो, वीडियो, स्टेटस, हर चीज़, आपकी बातें तक सुन रहे हैं। तो आपको इनको सबको बंद करना होगा और आप अपने मनपसंद से रख सकते हैं जिनको रखना है। ओके, हेलो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका फ़ोन हैक हो सकता है। कोई भी आपका फ़ोन को हैक कर सकता है। आप जो हैं अपने फ़ोन में जितने भी ऐप अपने फ़ोन में जितने भी इंस्टॉल करें और डाउनलोड आपने किए हैं, इंस्टॉल किए हैं, ये सभी ऐप जो हैं आपकी फ़ोटो, वीडियो, स्टेटस, आपका कॉन्टैक्ट, आपका माइक, ये सभी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। तो आप अपने इस वीडियो में देख सकते हैं आपको किस किस ऐप को, किन किन ऐप को परमिशन देनी है और किन किन ऐप को नहीं परमिशन देनी है। तो इसके लिए मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप जो हैं अपने सिक्योर ऐप को, जो आपको पता है ये ऐप जो है हमारा सेफ है, इसे हम ये परमिशन दे सकते हैं। तो उसके लिए वीडियो को पूरा वॉच कीजिए लास्ट तक। तो हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आपको कोई ऐप नहीं डाउनलोड करना है, आपको आ जाना है अपने फ़ोन की सेटिंग पर। और सेटिंग पर जैसे ही आप जाओगे, आपके में एक ऑप्शन मिलेगा प्राइवेसी का, या फिर किसी के फ़ोन में सिक्योरिटी का ऑप्शन होता है, तो आपको उसके ऊपर कर देना है सिंपल सा क्लिक। हमारे फ़ोन में ये है प्राइवेसी, प्राइवेसी के ऊपर हम करते हैं क्लिक। और जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर सबसे ऊपर आपको परमिशन मैनेजर का ऑप्शन मिल जाएगा, इसके ऊपर आपको कर देना है क्लिक। ओके, तो ये थोड़ी सी लोडिंग होगी, आप वेट कर लीजिए। ये जो है हमारा ओके हो गया, ठीक है। अब जो है आप अपने SMS देखिए, ये आपके SMS जो है कितने ऐप जो हैं आपके SMS का यूज़ कर रहे हैं, आपके जो भी कॉन्टैक्ट वाले हैं उन सभी को ये अपना मैसेज अपने ऐप का रिव्यू करवाते हैं, उनके पास मैसेज भेजते हैं, आपके मैसेज वो लोग रिसीव कर सकते हैं। तो जो है ये जो है ऐप, ये आप देख लीजिए आपको किन किन ऐप को परमिशन देनी है कि ये हमारे मैसेज को ना देखें। ओके, तो इनमें से आप जिस जिनके चाहें उनके बंद कर सकते हैं। जैसे हम अपना ये एक जूपी नाम से है, इस ये देखो हमारा मैसेज जो है यूज़ कर सकता है कुछ भी। तो आपको डिनाई पे इस पर क्लिक कर देना, तो ये जो है आपका ऐप जो है कोई भी परमिशन नहीं लेगा। ओके, अब ये जो ऐप है आपका, इस ऐप पर आपका कोई भी SMS नहीं जाएगा। ओके, तो पहली सेटिंग तो ये हो गई। और दूसरी सेटिंग के लिए आपको फिर से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ पर माइक्रोफोन, तो इसमें जो है आपके कितने ऐप जो हैं जो आपका माइक्रोफोन यूज़ कर रहे हैं, यानी कि आप जो बातें कर रहे हो या फिर कॉल पर बात कर रहे हो, किसी से भी बात कर रहे हो, वो सभी ऐप जो हैं आपकी वॉइस को सुन सकते हैं। तो इसको आप बंद करना चाहते हैं तो अपना बंद कर दीजिए। किन किन किस किस ऐप को आप बंद कर रखना चाहते हैं, उन सभी ऐप को बंद रख सकते हैं। ओके, तो हमने जैसे अपना एक कोई सा भी ऐप ले लेते हैं, जैसे हमारा ये कैलकुलेटर है, तो ये भी यूज़ कर रहा है हमारा, ये पहले से नॉट अलाउड है। ओके, तो इसके ऊपर हमारा सेलेक्ट रहेगा, ठीक। हम इस पर आ जाते हैं बैक। फिर से बैक आने के बाद आप अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट देख लीजिए, कॉन्टैक्ट के आपने किसे किसे कॉन्टैक्ट पे अलाउ कर रखा हैगा, ठीक है। ओके, आप जिस पे चाहें उसका रख सकते हैं, और वरना नहीं रखना चाहते ना रखें। जैसे हमारा ये व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप जो है हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट देख सकता हैगा। ओके, तो आप इसको जो है बंद कर दीजिए, तो आपका व्हाट्सएप जो है कॉन्टैक्ट लिस्ट नहीं देख पाएगा। ओके, तो इसके भी नॉट अलाउड कर दीजिए। ओके, बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको कैमरा, आपका कैमरा कितने ऐप यूज़ कर सकते हैं, ये जो हैं ये सभी ऐप जो हैं आपका कैमरा यूज़ कर सकते हैं। आप जो भी फ़ोटो वीडियो सेल्फी, आप जो भी फ़ोटो वीडियो जो है सेल्फी लेते हो, वो सभी ऐप जो हैं यहाँ पर आपके कैमरा यूज़ कर सकते हैं। ओके, जैसे आप ये जो है आपका कैमरा यूज़ कर रहा है, इसको भी आप बंद कर सकते हैं। आपको अलाउ रखना तो अलाउ रखिए, बंद करना तो बंद कर सकते हैं। ओके, यहाँ से हम आ जाते हैं बैक। यहाँ पर कैलेंडर, ये जो इसमें ये भी ऑप्शन मिलेगा कि कितने आपके ऐप जो हैं कैलेंडर आपका यूज़ कर रहे हैं, आपकी अपडेट पूरी ले रहे हैं, आप अपने कैलेंडर में सेव करके रखते हैं, ये इस डेट को मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, तो ये सभी ऐप आपका देख सकते हैं। इसको आप बंद रखना चाहते हैं तो आप इसमें
बंद रख सकते हैं। लोकेशन, आपकी कितने ऐप जो है आपकी लोकेशन को देख रहे हैं, कितने ऐप जो है आपकी लोकेशन टेस्ट कर रहे हैं कि आप कहां पर हो कहां नहीं हो। ओके, तो इस तरह से इनमें भी आप जितने ऐप बंद, जितने भी ऐप को नॉट अलाउड करना चाहते हैं तो उन्हें बंद कर दीजिए। ओके, तो इस तरह से जो है आप अपने फ़ोन को जो है हैक होने से बचा सकते हैं, आपकी प्राइवेसी जो है वो आप अपनी सेफ रख सकते हैं। तो ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक वीडियो मिलती रहेंगी आपको हमारे इस चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।